नमस्कार एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं भोपाली पराठे। उसके लिए जो ज़रूरी सामान है वो ये है। यहाँ पर मैंने पोटैटो लिया है 1 बाउल, आधा बाउल मैंने दही या कर्ड लिया हुआ है, 1 कटोरी प्याज ली है, धनिया लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच काली मिर्च ली है, इस कटोरी में मैंने लिया है 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच अजवाइन, मस्टर्ड ऑयल, करी पत्ता, कुछ करी पत्ते की लीव्स जो है मैंने बारीक कट कर लिए हैं, रेड वाली हरी मिर्च और यहाँ पर ग्रीन वाली हरी मिर्च ली है और थोड़ा सा अदरक। तो अब हम इसको प्रिपेयर करने के लिए पहले तो इस जो दही है इसमें हम तड़का लगाएंगे इन सब चीज़ों का। ये जो मैंने तैयार करके रखा है मस्टर्ड दाने, अजवाइन एंड जीरा एंड करी पत्ता एंड ये दोनों टाइप की जो हरी मिर्च है इनसे हम तड़का लगाने वाले हैं। तो तड़के के लिए मैंने ऑयल जो है गरम कर कर रख दिया है। अब इस ऑयल में मैं डालूंगी सबसे पहले ये सारी चीज़ें, उसके बाद हरी मिर्च और फिर हम डालेंगे ये करी पत्ता और अच्छे से इसको तड़कने देंगे तड़के को। थोड़ा सा इसको होने देंगे, ये हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम जो है बंद कर देंगे और दही में ये सारी सामान हम ऐड करेंगे और इसको चला देंगे। सारे सामान हमने ऐड करके दही को चला दिया है। इसके बाद जो हमारी प्रोसेस होगी वो ये कि अब हम आटा लेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, या फिर मैंने इस बाउल से 1 बाउल से थोड़ा सा ज़्यादा ये गेहूं का आटा लिया है। और अब हम इस गेहूं के आटे को दही, बॉइल्ड आलू, प्याज, धनिया, अदरक, काली मिर्च डालकर हम इसको सन लेंगे अच्छे से, रोटी के आटे से थोड़ा सा कम गीला हो, है ना, क्योंकि बारिश का सीजन है तो वो वैसे ही थोड़ी थोड़ी देर में जो है मॉइस्चर ले लेता है और गीला हो जाता है। तो उस हिसाब से हमको ध्यान रखना है मॉइस्चर का। और यहाँ पर हमने ये जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं ये हरा धनिया, टमाटर, 3 कलियाँ लहसुन की एंड हरी मिर्च, और यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक भी ले लेंगे। तो ये इसकी हम चटनी बनाएंगे। तो तब तक फ्रेंड्स हम आटा गूंथते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आटा इस तरीके से गूंद कर तैयार कर लिया है और कुछ सूखा आटा रखा है। अब हम इसके पराठे, गोल गोल पराठे बनाकर इसको तवे पर सेक लेंगे शुद्ध घी से। चाहे तो आप ऑयल का यूज भी कर सकते हैं। ओके, तब तक बनाते हैं पराठे। तो फ्रेंड्स हमने ये पराठा इस तरीके से बेल लिया है और इसको थोड़ा सा हल्का सा हमको मोटा ही रखना है, ये थिकनेस हमको इसकी रखनी है। अब हम इसको डाल देंगे गर्म तवे पर और फिर इसको मीडियम से स्लो फ्लेम पर हम इसको सेकेंगे। जब तक हमारा पराठा सिक रहा है हम वो चटनी जो है ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सर में, सारी चीजें डालकर जार में हम ये चटनी मिक्सर ग्राइंड कर लेंगे। पराठे को हमने इस तरीके से सेक लिया है, ये पराठा जो है रेडी हो चुका है। इसको हम निकाल लेंगे और सेकंड पराठा डालेंगे। पराठे को सेकने के लिए हमने आयरन तवे का यूज किया है। आयरन तवा परफेक्ट होता है पराठों को सेकने के लिए, उसका टेक्सचर जो है आयरन तवे पर अच्छा आता है। तो यहाँ पर हम दूसरा पराठा भी उसी टाइप से इसको सेक लेंगे। और यहाँ पर हमने ये ग्रीन चटनी तैयार कर ली, हरा धनिया एंड टमाटर एंड लहसुन एंड हरी मिर्च एंड नमक डालकर। तो अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तैयार है हमारे भोपाली पराठे। आप इनको ज़रूर ट्राई करें और आपको कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।